दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कई सारे सूत्र दिए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में चाणक्य ने स्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाक माना है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वो घर स्वर्ग के समान होता है। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार किन तीन चीजों से स्त्रियों को हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर एक, अहंकार। दोस्तों अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार से स्त्री के घर से सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके घर से लक्ष्मी और माता सरस्वती रूठ जाती है। इसीलिए दोस्तों चाणक्य ने अहंकार को स्त्रियों के लिए बहुत खतरनाक बताया है। नंबर दो, अज्ञानता। दोस्तों अज्ञानता स्त्री के लिए अच्छी नहीं होती। चाणक्य के अनुसार स्त्री को ज्ञानवान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम होती है। शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही समाज को नई दिशा प्रदान करती हैं। वो इन गुणों से घर को स्वर्ग बनाती हैं, जबकि स्त्री की अज्ञानता से सभ्य समाज की कल्पना करना भी असंभव होता है। नंबर तीन, लालच। दोस्तों चाणक्य के अनुसार स्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए। ये अवगुण स्त्री के परिवार को नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तो वो घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। लालच के कारण परिवार में ग्रह क्लेश देखने को मिलता है। कैकेयी को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था, जिसके कारण पूरे अयोध्या में अशांति का वातावरण छा गया था। इसलिए दोस्तों स्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।